मंगलवार शाम दिल्ली महिला आयोग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आग लगी, उसके बाद जो पूरा हॉल है करीब करीब जल गया, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं बची। तो बुधवार को दिल्ली महिला आयोग ने जो पार्किंग की जगह है वहीं पर पूरा अपना दफ्तर लगाया। खुद जो देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो दिन भर लोगों को अटेंड करती रही, हालांकि अब शाम हो चुकी है, लोग कम हैं, लेकिन सुबह बताया जा रहा है कि उतनी ही भीड़ थी जितने लोग बाकी दिनों में आते हैं। स्वाति जी, नीचे लगाना पड़ा आप लोगों को, क्या और कोई विकल्प नहीं था? जी, और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑफिस उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, आधे से ज़्यादा तो जल चुका है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ अभी भी बहुत तेज़ वहाँ पे महक आ रही है, ऐसे में हम कंप्लेनेंट्स को ना तो ऊपर लेकर जा सकते हैं, ना उनके साथ बैठकर वहाँ पे बात भी हो सकती है, तो और कहाँ जाएंगे। तो यहीं पे, क्योंकि आज हम बंद भी कर सकते थे अपना दफ्तर, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, हमारी पूरी टीम को ठीक नहीं लगा, मैं, हमारी कमीशन की सारी मेम्बर्स, हमारे मेम्बर सेक्रेटरी, सब ने यही डिसीजन लिया कि कमीशन का वर्क तो चलेगा ही चलेगा, वॉर फुटिंग पर चलेगा, इसीलिए यहाँ पर जहाँ जगह मिली पार्किंग में अब हम लोग बैठे हैं। आज सुबह से कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, उन्हें अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि 181 जैसी हेल्पलाइन है हमारे पास, रेप क्राइसिस सेल है, महिला पंचायतें हैं, ये काम रुक नहीं सकता। एक लड़की अगर जो आ रही है कमीशन तक, हो सकता है कि अगर आज हम उसको ठीक से अटेंड ना करें, उसके साथ कुछ गलत हो जाए, वो फिर वापस ना आए, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब तक टीम यहाँ पे है, दिल्ली महिला आयोग की प्रेजेंट टीम, दिल्ली महिला आयोग का काम चलता रहेगा। हम बस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अब ये सिस्टम PWD और सरकार मिलकर सुधारें। और समस्या ये रही है कि बहुत लंबे समय से हम लोग स्पेस की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें स्पेस नहीं दिया जा रहा। अच्छा। कहीं ना कहीं उसको लेकर भी मुझे लगता है वो भी एक कारण रहा है जो ये आग लगी। तो आज कितने लोग पहुँचे, क्या सामान्य दिनों की तरह लोग पहुँचे या फिर कुछ कमी आ गई थी? खबर तो छपी थी हर जगह कि आग लग गई है। जी, जितने लोग जनरली आते हैं उनसे थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि लोगों तक मैसेज काफ़ी बार नहीं पहुंच पाता, और जिनकी जो सबसे ज़्यादा समस्या है उन्हें कहीं ना कहीं तो आना ही है, तो वो दिल्ली महिला आयोग ऑफिस आए हैं, सबको ठीक से अटेंड करा गया है, और काफ़ी कंप्लेनेंट्स को हमने पुलिस में भिजवाया है, काफ़ी कंप्लेनेंट्स के ऊपर इमीडिएट एक्शन भी हुआ है, और जो हियरिंग्स हैं लेकिन वो स्थगित हुई हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बैठकर पूरी ठीक तरीके से जांच पड़ताल केस में नहीं हो सकती, लेकिन काम चला है। अब मैं यही चाहती हूँ जल्दी से जल्दी जो हमारा ऑफिस है वो ठीक किया जाए, साथ ही कमीशन को और ज़्यादा स्पेस दी जाए। देख सकते हैं कि बाहर आज दिल्ली महिला आयोग का दफ्तर सजा था, यहाँ पर ही लोग आए, अपनी शिकायत लेकर आए थे, और उनका समाधान भी जिस तरह से किया जाता है वो किया गया, और ये डिमांड भी एक तरह से वो कर रही हैं यहाँ से कि इनके पास कोई दूसरा स्पेस नहीं था, और ऊपर जो स्पेस है वो इतना कंजस्टेड है कि वहाँ कभी भी कोई हादसा पहले भी हो सकता था, लिहाजा ये डिमांड भी अब इस आग की घटना के बाद हो रही है कि दिल्ली महिला आयोग को स्पेशियस दूसरा जगह भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि सही तरीके से चीज़ों को अंजाम दिया जा सके। दिल्ली महिला आयोग से कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।